कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। px बराबर है x प्लस 5। इसका शून्यक निकालने के लिए हम px को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो px है x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर है शून्य के। x किसके बराबर आ गया? शून्य। 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो गया माइनस 5। तो x कितना आ गया? 0 में से 5 माइनस कर दिए, माइनस 5। तो बहुपद का शून्यक है माइनस 5। ये बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बस इतना सा काम हमें करना है कि जो भी px हमें दिया है उसे 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, वही बहुपद का शून्यक होगा। आइए इसका एक और भाग देखते हैं। px बराबर है x माइनस 5, इसका शून्यक निकालने के लिए हम px को शून्य के बराबर रख देंगे। जब px को शून्य के बराबर रखेंगे तो px है x माइनस 5 के बराबर, यह शून्य के बराबर रख दिया, यह आ गया 0, 5 इधर माइनस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो x बराबर आ गया है 5। इसका मतलब बहुपद का शून्यक है 5। बहुत सरल है। आइए इसका एक अन्य भाग देखते हैं। px बराबर 2x प्लस 5, इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? px को 0 के बराबर रख देंगे। px है 2x प्लस 5 के बराबर, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से 2x बराबर 0, 5 इधर प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 2x बराबर 0 में से 5 माइनस किया, माइनस 5। x बराबर माइनस 5, 2 इधर गुना हो रहा तो उधर आके आ गया 2, उधर आके भाग हो गया, तो x बराबर आ गया माइनस 5 बटा 2। तो बहुपद का शून्यक है माइनस 5 बटा 2। अगला भाग देखते हैं। px बराबर 3x माइनस 2, शून्यक निकालना है, शून्य के लिए हम px को 0 के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 0, 2 इधर माइनस हो रहा, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 हो गया 2, x बराबर 2, 3 इधर गुना हो रहा है, 3 इधर गुना हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। इसका मतलब बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। यह है px बराबर 3x, यदि शून्यक निकालना है तो px को 0 के बराबर रख दो। इसका मतलब 3x बराबर आ गया 0 के, x बराबर आ गया 0, 3 इधर गुना हो रहा, उधर जाके हो जाएगा भाग। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उत्तर आता है 0। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 0, और यदि x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बहुपद का जो शून्यक होगा वो होगा 0। बहुपद का जो शून्यक होगा वो होगा 0। अगला भाग, px बराबर है ax के, तो यदि शून्यक निकालना है तो हम px को 0 के बराबर रखेंगे। px ax के बराबर था, px की जगह लिख दिया ax बराबर 0, x आ गया यहां से 0, a इधर गुना हो रहा है, उधर आके हो जाएगा भाग। तो x को 0 को जब भी a से भाग या किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 0। तो x बराबर आ गया है 0। इसका मतलब बहुपद का शून्यक होगा 0 के बराबर, ठीक है जी। और हम इसका एक और भाग देख लेते हैं साथ के साथ ही फटाफट से। और यह है px बराबर cx प्लस d, c 0 भी नहीं है और c और d दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो यदि इसका शून्यक निकालना है तो px होगा 0 के बराबर,
पी एक्स किसके बराबर था, सी एक्स प्लस डी, यह होगा जीरो के बराबर। तो सबसे पहले देखिए सी एक्स डी इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस डी, तो जीरो माइनस डी, सी एक्स बराबर जीरो में से डी माइनस किया तो आ गया माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी, सी इधर गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब बहुपद का शून्यक है माइनस डी अपॉन सी, बहुपद का शून्यक है माइनस डी अपॉन सी। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ गेम्स एंड एक्टिविटीज बाय KMS को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।